नमस्ते दोस्तों, मैं सुखचैन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं एंड्रॉइड वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में ना हम कुछ ऑफलाइन गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं और मेरे को पता है इस टॉपिक के लिए आप हमेशा काफ़ी एक्साइटेड रहते हो। हालांकि आज की डेट में ना सबके पास अच्छा खासा इंटरनेट है, लेकिन हमें फिर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर हमें ऑफलाइन गेम्स ही खेलने पड़ते हैं, इसलिए सारे ऑफलाइन गेम्स हैं वो ढूंढते रहते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको ऐसे 10 ऑफलाइन गेम्स बताऊंगा जो आप डाउनलोड करके खेल सकते हो और सारे गेम्स ना काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं भाई। उन सभी का साइज़ भी है ना काफ़ी नॉर्मल सा रहेगा ताकि सभी डिवाइसेस में वो वाले गेम्स है वो वर्क करें। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो का जो लाइक है हमें वो 3000 रखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो ना, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी के साथ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले नंबर पे आता है दी लास्ट सोल्जर रिमेन। गेम ऑफलाइन रहेगा, गेम का जो साइज है वो 1 GB के आसपास रहेगा और इसमें आपको दो मोड देखने को मिलते हैं, एक तो स्टोरी मोड एक जोम्बी मोड। हालांकि दोनों ही काफ़ी बेस्ट हैं, स्टोरी मोड आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आप एक सोल्जर की ड्यूटी निभाना पसंद करते हो ना ऐसे गेम्स में कि आपको अलग अलग बेस के ऊपर भेजा जाता है, वहाँ पे आप जाके आप एनिमीज को मारते हो भाई, बिल्कुल यहाँ पे आपको कटसीन्स भी देखने को मिलेंगे स्टोरी के हिसाब से जो कि काफ़ी ऑसम लगते हैं। और गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी भी काफ़ी ऑसम है साइज से अगर कंपेयर करोगे। बीच में जो कटसीन या फिनिश आते हैं भाई वो किसी पीसी गेम से कम नहीं है। तो कुल मिला के इन्होंने काफी ऑसम गेम बनाया। और यहाँ पे सिर्फ आप गन गेम नहीं खेल रहे, इसके अलावा भाई आप मिसाइल लॉन्चर है आपके पास वो लॉन्च कर रहे हो, चॉपर से फाइट कर रहे हो भाई, इसके अलावा टैंक चला रहे हो। लोकेशन के हिसाब से जैसे मिशन होंगे ना आपको वैसे इक्विपमेंट्स है वो दिए जाते हैं, जो कि चीज़ मेरे को काफी ऑसम लगी। अगर आपको भी ऐसे मिलिट्री वाले गेम पसंद आते हैं ना और साथ में इसमें आपको ज़ॉम्बी मोड भी मिल रहा है वो भी ट्राई कर सकते हो, तो काफी मस्त गेम है, जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे दूसरे नंबर पे आता है द मिस्ट्री ऑफ आइगन गुरु। अगर जिनको ना ऑफलाइन गेम पसंद है वो भी ऐसे हॉरर एस्केप वाले, उनको ये गेम काफी पसंद आएगा। गेम की साइज है वो 600 MB के आसपास है, लेकिन उसी हिसाब से ना गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ऑसम देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे काफी मस्त मस्त पजल्स है वो सोल्व करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टोरी लाइन बिल्कुल भी रिवील नहीं की गई है, क्योंकि जैसे जैसे आप मिस्ट्रीज सोल्व करोगे ना भाई पूरे गेम में मिस्ट्रीज देखने को मिलेंगे। और पूरे गेम का जो साइज है ना वो आई थिंक शायद आप 1 घंटे में खत्म कर दोगे, क्योंकि काफी छोटा गेम है लेकिन ग्राफिक्स क्वालिटी और जो गेम प्ले स्टाइल रखा गया वो काफी ऑसम है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3D ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, इतना ड्रामना गेम तो नहीं रहेगा लेकिन जो ऐसी जगह होती है ना जो आसपास की लोकेशंस है वो काफी खतरनाक होती है और साथ में आप मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है हर वक्त, तो वो चीजें काफी मस्त बना के रखती हैं गेम को, तो आपको ये वाला गेम जरूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों लिस्ट पे तीसरे नंबर पे आता है डेविल वॉर डूम। गेम का साइज है वो 1 GB के आसपास रहेगा, क्योंकि गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी और गेम प्ले काफी लंबा जाने वाला है। आप सभी को डूम सीरीज के बारे में तो पता ही है जो ऑलरेडी काफी पॉपुलर है पीसी के ऊपर। यहाँ पे आप हेल जैसी लोकेशंस होती हैं भाई, वहाँ पे काफी अजीब तरह के क्रिएचर्स होते हैं जिनके साथ आपकी काफी गंदी वाली फाइट होती है, कुछ ऐसे ही कंसेप्ट के ऊपर पूरा ये वाला गेम है। आपको काफी अजीब अजीब क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे और इतना ही नहीं भाई यहाँ पे आपको बॉस बैटल्स देखने को मिलेंगे, आपसे भाई बड़े साइज गुना वाले बॉस बैटल्स देखने को मिलेंगे। और अब धीरे धीरे अपनी गन्स को भी है वो अपग्रेड करोगे ताकि आगे जाके जितने भी एनिमी स्ट्रॉन्ग होंगे ना उनके साथ फाइट कर पाओगे। अगर आपको कुछ हार्ड गन गेम प्ले पसंद है ना जिसमें लगातार एनिमीज वेव्स में आते हैं तो ये वाला गेम आप ही के लिए बने। अगर आपको डूम सीरीज भी पसंद है पीसी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर कुछ वैसा खेलना चाहते हो तो भी इस गेम को ट्राई कर सकते हो। दोस्तों लिस्ट पे 4th नंबर पे आता है 9 Nights। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन तो है ही, गेम का जो साइज है वो 1 GB के आसपास रहेगा। और यहाँ पे आप सभी को याद है जब हम PlayStation 2 के ऊपर गेम खेलते थे वैसा ही ग्राफिक स्टाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। वैसे ही प्रिंस ऑफ पर्शिया का पार्कर सिस्टम आप सभी को याद होगा, वो भी काफी ऑसम था, कुछ वैसा कंसेप्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कॉम्बैट स्किल्स है ना वो काफी ज्यादा है, धीरे धीरे आप खुद को अपग्रेड करोगे, उसके बाद आपको एनिमीज के साथ फाइट करनी है, बॉस बैटल्स देखने को मिलेंगे और रास्ते जो एडवेंचर देखने को मिलता है वो भी काफी ऑसम है। अगर आप उस टाइप के ग्राफिक्स क्वालिटी को सहन कर सकते हो जो PS2 में देखने को मिलती थी तो ये गेम आपके लिए काफी ऑसम होने वाला है। हालांकि अगर मोबाइल से कंपेयर करोगे तो काफी अच्छी खासी ग्राफिक्स क्वालिटी और गेम प्ले देखने को मिल रहा है, तो अगर आपको कुछ एक्शन एडवेंचर में कुछ चाहिए ना प्रिंस ऑफ पर्शिया टाइप तो आप इस गेम को बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों लिस्ट पे 5th नंबर पे आता है गन जोन। अगर आप भी फ्रेंड जोन होते होते थक चुके हो अभी गन जोन में आना चाहते हो तो ये गेम आप ही के लिए बना है भाई, काफी ऑसम गेम है। यहाँ पे पहले इसमें आपको मैं जोम्बी मोड खेल के दिखा रहा हूँ जिसमें ग्राफिक्स क्वालिटी और गेम प्ले जो कंट्रोल्स है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। हालांकि छोटी सी एक दिक्कत है, आपको अगर और गन्स अपग्रेड करनी है ना तो आपको एड्स देखनी पड़ेंगी, उसके लिए शायद आपको गेम ऑनलाइन लेके जाना पड़े, वैसे अदरवाइज आप इस गेम को ऑफलाइन खेल सकते हो। अगर आप जोम्बी मोड नहीं खेलना चाहते हैं ना तो इसका कैंपेन मोड भी आता है जिसमें आपको अलग लोकेशंस पे भेजा जाता है, आपको मिशंस करने होते हैं, वहाँ पे जो फाइट्स होती है वो काफ़ी ऑसम रहती हैं। इवन जो फिनिशर्स होते हैं ना गन्स के भाई
एनिमीज को मारने के, वो भी काफी औसम दिखाए जाते हैं। काफी कम साइज के अंदर एक अच्छा खासा गेम आपको देखने को मिलता है, तो जरूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों लिस्ट पे 6 नंबर पे आता है लूना दी शेडो डस्ट। ये भी गेम ऑफलाइन है, गेम का जो साइज है वो 1 GB के आसपास है, लेकिन ये गेम सभी के लिए नहीं है। जिनको ऐसे आर्ट स्टाइल वाले गेम पसंद आते हैं ना, साथ में पजल वाले, ऐसे पूरे मस्त स्टोरी लाइन चलती है, उनको ये गेम काफी पसंद आएगा। यहाँ पे इसका आप आर्ट स्टाइल देख सकते हो, जो कि मेरे को काफी पसंद आया था। और यहाँ पे जितनी भी आपको चीजें दिख रही है ना भाई, वो सारी हाथ से ड्रॉ की गई है। जितनी भी पेंटिंग्स बैकग्राउंड दिख रहे हैं ना, तो वो चीज मेरे को काफी ऑसम लगती है भाई। एक अलग ही वाइब आती है रिलैक्स वाली ऐसी गेम्स को खेलते हो। और यहाँ पे भाई आप ओल्ड मेमोरीज को पता कर रहे हो, उनको धीरे धीरे पजल सोल्व कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कुछ ऐसे पूरे कंसेप्ट के ऊपर गेम रहेगा। यहाँ पे स्टोरी बिल्कुल भी रिवील नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप गेम खेलोगे ना भाई, आपको काफी चीजें पता चलेंगी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो एक बार इस गेम को जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे 7th नंबर पे आता है कार ड्राइव 5। आपने हमेशा सोचा है कि आपके पेरेंट्स आपको कार ड्राइव क्यों नहीं करने देते इतनी जल्दी? उसका रीजन ये है कि उन्होंने आपका गेम प्ले देखा है कार ड्राइव वाला। लेकिन अगर आप ये वाला गेम खेल लोगे ना, तो भाई आपके स्किल्स है काफी इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कार ड्राइव करनी है, लेकिन रास्ते में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रुकावट बनेंगी भाई। इवन आपकी कार ना ब्लास्ट भी हो सकती है रास्ते में, ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी, लेजर्स देखने को मिलेंगी, काफी रास्ते ब्लॉक देखने को मिलेंगे, मतलब काफी तंग रास्ते ऐसे, यहाँ पे गाड़ी मोड़नी तक काफी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी स्किल्स है वो अच्छी खासी इंप्रूव होने वाली है, और काफी इंटरेस्टिंग गेम है। ऐसे गेम जब रास्ते में जा रहे होते हो ना, ट्रैवल कर रहे होते हो, टाइम पास के लिए भाई सबसे बेस्ट गेम होते हैं। और मेरे को इसका गेम प्ले काफी ऑसम लगा, डिसेंट ग्राफिक क्वालिटी देखने को मिलती है और गेम प्ले काफी ऑसम है, तो जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे 8th नंबर पे आता है मोनोलिथ। गेम का जो साइज है वो 1.1 GB के आसपास रहेगा। अगर आपको साइंस फिक्शन वाले गेम पसंद आते हैं ना, तो आपको ये गेम काफ़ी पसंद आएगा। यहाँ पे जो आपका करेक्टर है उसके साथ एक रोबोट होता है, तो वो दोनों सर्वाइव करते हैं एक ऐसी लोकेशन पे जो कि काफ़ी खतरनाक होने वाली है भाई। यहाँ पे इसमें जो कटसीन्स आते हैं ना, वो किसी PC गेम से कम नहीं है। और अगर आपको साइंस फिक्शन एंड पॉइंट एंड क्लिक वाले एक्शन एडवेंचर गेम पसंद है ना, तो ही इस गेम को ट्राई करना, क्योंकि इसमें स्टोरी लाइन तो रहेगी, आपको जस्ट क्लिक करना होता है, कुछ पजल सॉल्व करने होते हैं, स्टोरी आगे धीरे धीरे रिवील होगी, तो ऐसे पूरा इंटरेस्टिंग रहता है। और इस गेम में भी भाई 50 से ज्यादा ना हाथ से ड्रॉ की हुई चीजें हैं भाई, तो वो चीज मेरे को वैसे जैसे मैंने पहले बताया, मेरे को काफी ऑसम लगती है। ऐसे गेम्स में अलग ही तरीके से भाई चीजें निकल के आती हैं, तो वो चीज ना ऐसे जब ऐसे रिलैक्स वाले गेम खेल रहे होते हो, तो वो काफी ऑसम लगेंगी आपको। और यहाँ पे तो आपको अच्छी स्टोरी लाइन भी देखने को मिल रही है, साइंस फिक्शन वाला कंसेप्ट भी है, धीरे धीरे जो पजल्स हैं वो भी वैसे रहेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग गेम है। और यहाँ पे जो कटसीन है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, किसी PC गेम से कम नहीं है। तो वैसे ऑलरेडी काफी लोगों ने शायद ये वाला गेम खेला भी होगा, क्योंकि एक टाइम पे इसकी पॉपुलैरिटी काफी हुई थी। बाकी किस किसने खेला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों लिस्ट पे 9th नंबर पे आता है ऑफ रोड लेजेंड्स 2। गेम का साइज काफी कम है, 100 MB के आसपास है, लेकिन अगर आपको ऐसे गाड़ियां ट्रक चलाना पसंद है ना, स्टंट करने, बिल्कुल वैसे परफॉर्म करने, तो ये वाला गेम आपको काफी पसंद आएगा। धीरे धीरे आप इसमें गाड़ियां जो वो नहीं बाय कर पाओगे कॉइन्स के साथ, लेकिन भाई जो रास्ते में जो ट्रैक्स है ना भाई, वो काफी ओसम है, जिसमें आपको स्टंट परफॉर्म करने को मिलेंगे, उस हिसाब से आपको स्कोर मिलेंगे। लेकिन कुछ एंग्री बर्ड वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे रखा गया, जैसे आपको बॉक्सेस गिराने हैं, ऐसे स्टार कलेक्ट करने हैं, वो वाला कंसेप्ट भी रखेगा। कुछ राउंड्स वैसे होंगे, कुछ आपको पूरा ट्रैक है वो कंप्लीट करना होगा, कुछ पूरा ऐसा गेम बना है। और साइज के हिसाब से देखोगे तो आपको क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है, और गेम प्ले में काफी लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो अच्छा खासा इस गेम को एंजॉय करने वाले हो। दोस्तों लिस्ट पे 10th नंबर पे आता है ड्रैगन प्रिंस आर्डिया। ये गेम नेटफ्लिक्स की तरफ से आता है, तो आपको नेटफ्लिक्स का अकाउंट जरूर चाहिए होगा, लेकिन इसको उसके बाद आप ऑफलाइन खेल पाओगे। और यहाँ पे ये ड्रैगन प्रिंस आई थिंक एक सीरीज है, उसके ऊपर बेस्ड थोड़ा सा गेम होने वाला है। बिल्कुल अगर आपको RPG गेम पसंद है ना, तो ही इस गेम को ट्राई करना, लेकिन इसका कंसेप्ट काफी बढ़िया है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा एक्शन तो रहेगा, एडवेंचर भी रहेगा, साथ में आपको अलग अलग क्विस्ट पे भेजा जाता है, डंजन्स वाला जो कंसेप्ट होता है वो आपको कंप्लीट करने हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे एनिमीज भी रहेंगे, इवन बॉस बैटल्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको काफी यूनिक हीरोज देखने को मिलते हैं भाई, हर एक के पास ना एक अलग अलग एबिलिटीज होती है, सबकी पावर्स है वो अलग अलग रहेंगी, जो भी आप हीरो चूज करोगे उस हिसाब से फाइट करोगे। लेकिन इसका जो आर्ट स्टाइल है वो मेरे को काफी पसंद आया, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ऑसम गेम है। वैसे भी यार नेटफ्लिक्स ना हमारे लिए काफी मस्त मस्त गेम्स है वो लेके आ रहा है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। देखते हैं वैसे नेटफ्लिक्स की तरफ से और आगे हमें कौन कौन से गेम देखने को मिलेंगे। बाकी आप किस गेम का एक्साइटेड, मतलब किस गेम के लिए एक्साइटेड हो, नेटफ्लिक्स इसके साथ कोलैब करे, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो में आई होप आपको कोई गेम पसंद आ गया होगा, अगर नहीं आया हो ना, तो मैंने ऑलरेडी न्यू गेम्स के ऊपर भी वीडियो अपलोड किया, वो भी चेकआउट कर सकते हो, कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जिन लोगों को नहीं पता, हम सेकंड चैनल के ऊपर GTA RP लाइव करते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। ज्वाइन कैसे करना है उसका मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले कर देता हूँ, बाकी आप उस चैनल पे जाके देख सकते हो, हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, हमारे साथ खेल सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप भी हमारे साथ GTA 5 खेलना चाहते हैं, हमारी फैमिली ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत इजी है। अब
यानी अगर आप GTRP में स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट गाइड साबित होने वाली है। आप मेरी कोई भी लाइव स्ट्रीम जिसमें GTRP में खेल रहा हूं उठाएंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो क्लिक करने पे आपको इस पेज पे लेके जाएगा। यहां आने के बाद इंग्लिश 1, 2, 3 उसमें इंग्लिश 2 चूज करना है सेकंड ऑप्शन, फिर प्रोसीड, आपका ईमेल और जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो। ये करने के बाद आप अपना नेम और लास्ट नेम एंटर करेंगे, फिर रजिस्टर करेंगे और उसके बाद डाउनलोड लॉन्चर एंड स्टार्ट प्लेइंग इस पे क्लिक करेंगे। आपका लॉन्चर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप यहाँ पे सर्वर 2 ही चूज करेंगे, क्योंकि आपने रजिस्टर किया था सर्वर 2 पे, तो यहाँ भी आपको 1, 2, 3 में 2 चूज करना है, ये ध्यान रखना है। लॉन्चर डाउनलोड होने के बाद सिर्फ एक बार आपका गेम 4 या 5 GB के समथिंग डेटा डाउनलोड करेगा, जो सिर्फ एक बार होना है। तो जब भी आप लॉन्चर ओपन करेंगे, सर्वर 2 चूज करेंगे और सीधे ये गेम में मुझसे मिलना।